नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। महाराष्ट्र में सत्ता गवा चुके हैं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, वहीं नई सरकार बन चुकी है बीजेपी के समर्थन से। जैसा कि आप जानते ही है कि महाराष्ट्र में शिवसेना में विधायक रहे वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे अब मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं और डिप्टी सीएम बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस। एक वक्त वह मुख्यमंत्री का पद संभालते हुए नजर आया करते थे, लेकिन आज वह उप मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। इसी बीच देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से तमाम ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं शिवसेना को कमजोर करने के लिए। वहीं अब बारी आ चुकी है यहां पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे की। राज ठाकरे को अपनी तरफ करने की कोशिश में जुट गई है बीजेपी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी जल्द ही अमित ठाकरे को अपनी तरफ से मैदान में उतार सकती है, कोई शानदार कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है। वहीं दूसरी ही तरफ देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकात ने इन कयासों को तेज कर दिया है। लेकिन इस मुलाकात को लेकर अब देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा खुलासा कर दिया है कि आखिरकार ये मुलाकात क्यों हुई थी, और इस मुलाकात के बाद उन्होंने शिंदे सरकार को लेकर भी कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। दरअसल आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस ने अब बात रखी है राज ठाकरे के साथ आखिरकार उन्होंने मुलाकात क्यों की। उन्होंने बताया था कि ये सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात रही, राज ठाकरे की तबीयत खराब थी और वह उनसे मिलने पहुंचे थे। आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस जब राज ठाकरे के आवास पहुंचे तो उनका बेहद शानदार अंदाज में स्वागत किया गया है। तमाम तस्वीरें और वीडियो सामने आ चुकी हैं। वहीं साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि राज ठाकरे किस तरीके से अब यहां पर बयान देते हुए तो नजर आए हैं, लेकिन राज ठाकरे के खिलाफ अब शिंदे सरकार के साथ मिलकर देवेंद्र फडणवीस कई बड़े फैसले भी ले रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं औरंगाबाद के नाम के बारे में, जिसको लेकर राज ठाकरे ने एक वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार से अपील की थी और उद्धव ठाकरे ने अपनी आखिरी बैठक में औरंगाबाद का नाम बदलने पर ऐलान कर दिया था। लेकिन अब उस फैसले पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस अब विचार विमर्श कर रहे हैं और ऐलान कर दिया गया है कि ये नाम नहीं बदला जाएगा। वहीं दूसरी ही तरफ देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे की सरकार को लेकर ये बात कही है कि एकनाथ शिंदे ही यहां पर फैसला लेंगे। लोग ये कह रहे हैं, विपक्ष जो दावा कर रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही फैसला करेंगे, भले ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन यहां पर उन्होंने साफ कर दिया है। आगे क्या कुछ कहा है देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे की सरकार को लेकर, जरा देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सियासी संकट दिन पर दिन और भी ज्यादा गहराता ही जा रहा है। सत्ता गंवाने के बाद उद्धव ठाकरे को कई बड़े झटके मिल रहे हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से। एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मिलकर कई बड़े और अहम फैसले ले रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में कई बड़े खुलासे किए हैं। आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि एकनाथ शिंदे सरकार में कोई भी सुपर सीएम नहीं है, यहां केवल एक मुख्यमंत्री है और वह है एकनाथ शिंदे। हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसे पचा नहीं सकते हैं, उन्हें विपक्ष में रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। वहीं कुछ नेता ये दावा कर रहे हैं कि भले ही शिंदे मुख्यमंत्री हो, लेकिन फडणवीस ही फैसला ले रहे हैं। इस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे हैं और फैसले वही ले रहे हैं। वहीं दूसरी ही तरफ यहां पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे के साथ मुलाकात करने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने और भी राज खोले हैं। औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर एक बार फिर से विचार किया जा रहा है। आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए कह दिया है कि उस सरकार के आखिरी कैबिनेट बैठक राज्यपाल द्वारा बहुमत साबित करने के बुलावे के बाद बुलाई गई थी, ये बैठक अवैध रही थी। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे की सरकार से अपील की थी कि औरंगाबाद का नाम बदल दिया जाए, और उस वक्त औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव
और नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर डीबी पाटिल करने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब शिंदे सरकार यहां पर औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर, उस्मानाबाद का नाम बदलने को लेकर एक बार फिर से विचार विमर्श करने वाली है। साथ ही साथ आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे संघ की मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताई है। जी हां, उन्होंने बताया है कि राज ठाकरे से शिष्टाचार भेंट उन्होंने की थी। राज ठाकरे अस्वस्थ हैं, इसलिए उनसे मुलाकात करने गया था। इसमें क्या राजनीतिक हो सकती है? इस तरीके से देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे से मुलाकात किए हैं और ये मुलाकात किस तरीके की रही है, इसको लेकर उन्होंने खुलासा किया है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये फैसला लिया है एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर कि एक बार फिर से विचार विमर्श किया जाएगा स्थानों के नाम बदलने को लेकर, जो कि राज ठाकरे के लिए किसी झटके से कम नहीं माना जा सकता है। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि महाराष्ट्र में क्या कुछ रणनीति देखने को मिल रही है, और इस बीच देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे के खिलाफ और उद्धव ठाकरे के खिलाफ क्या कुछ फैसला लिया है। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।